अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एंड वेलकम टू कॉफी विद तौफीक। और डॉक्टर बेला, उस्मान और फारूक, आप सबका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और आप जो है सब टाइमली आ गए ऑनलाइन और हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों का है ही। फारूक को आप जानते हैं, वैसे ही सुपरस्टार हैं आजकल ट्विटर पे। इनकी अक्सर जो है वो क्लिप्स आ रहे होते हैं ढीठों के नाम से, आप सब जानते होंगे कि इनका ब्रांड है वैसे बेसिकली। इन्होंने और भाई उस अपनी शायरी भी शुरू की है। सॉरी तो फिर भाई, जी इनका जी जो जी तो वो ढीठ है असल में, एंड वाला। ओ अच्छा, सही। तो आज हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे और टॉपिक हमारा है कि हम लोग जो है एक्चुअली उस्मान उस्मान आपने एक्चुअली आई थिंक मैं आपसे शुरू करता हूँ। उस्मान, आप बताएं कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में आप उसमें क्या ओपनिंग स्टेटमेंट आप क्या देना चाहते हैं ताकि हम उस टॉपिक पर बड़ा सीधा गुफ्तगू साधा कर है जी, सकें। टॉपिक बड़ा सीधा साधा है, और इसीलिए हमने कोशिश की थी कि खातून भी एटलीस्ट हो हमारे साथ, उनका पर्सपेक्टिव भी लें कि हमारे यहाँ जो है खवातीन से नॉर्मल तरीके से बात करने में लोग इतनी मुश्किल क्यों में क्यों पड़ जाते हैं, हम लोगों में वो अच्छा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता कि हम खातून के साथ एज ए खातून, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बींग एक बात कर सकें बगैर किसी उसके किसी डर के, किसी कॉन्फिडेंस की कमी के। ये एक मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सही। दिस इज व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। तो आप गुफ्तगू का आगाज करें और पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके देखिए, साथ। मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना, प्राइमरीली जो है, मैं आपको बताऊँ, प्राइमरीली ये जो आइडिया मुझे आया, ये मुझे स्पेसेस में से देख के आया, क्योंकि जब स्पेसेस ओपन अच्छा हुई हैं हमारे यहाँ ट्विटर में, तो हमारे दूर दराज के इलाकों में भी मर्द हजरात को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। ये चूंकि हम एक खास पैराए में बात कर रहे हैं इसलिए मैं मर्द हजरात को कह रहा हूँ, वैसे तो सबको ही मिला, लेकिन मर्द हजरात को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे वो अपनी कंफर्ट में बैठ कर, अपनी किसी भी पोजिशन में रहकर, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जो खवातीन मौजूद है उनके साथ वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सो ये इट्स अ न्यू थिंग, और ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक 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 नई चीज है, और जिसकी वजह से फिर आपको ओवर द टाइम, तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं स्पेसिस को, तो ओवर द टाइम आपको बड़े बड़े मजेदार किस्म की चीजें ऑब्जर्व करने को मिली हैं कि लोग जो हैं खासतौर पे मर्द हजरात वो खवातीन से कैसे मुखातिब होते हैं। ये एक पूरा जो 1.5 साल में मैंने देखा है, या 1.25 साल में मैंने जो देखा है, ये पूरा एक फिनोमिना, उसमें मुझे इतनी मजेदार चीज लगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस कि आप लोगों ने भी क्या इस चीज को नोट किया, या आप लोगों ने भी क्या इस चीज में कुछ ऑब्जर्व किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दैट। आप कोई एग्जांपल तो दें, मतलब यू नो यू गॉट टू गिव सम एग्जांपल हियर कि देखिए, आप क्या। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी स्पेस है जहां पे खवातीन बैठी है, और कोई ऐसा मौजू है जिसपे खवातीन ज्यादा बात कर रही है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे कि ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई मर्द है जो आया है, और उसने वो आपको अंदाजा हो रहा है कि वो पहले कभी इस तरह की महफिल में या इस तरह की प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, तो वो एक बड़े मस्कीन से अंदाज में आता है, और सबसे पहले तो उसका ये होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस जगह पे बोला, जैसे वो पता नहीं अवार्ड लेने आया है पहले कोई ना कोई, इसके लिए यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि वो उसको माइक मिल गया है। और फिर वहां पे उसके बाद जब वो बात शुरू करता है, और इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि जो खवातीन भी होती है ना, खवातीन भी बहुत सी ऐसी हैं जिनको इस तरह के मर्दों के साथ डायरेक्टली बात करने का पहला मिला, तो वो भी फिर जो है ना महारानियों की तरह ताड़ के बैठी होती है। हाँ भाई, माइक पास कर दो। आपका मतलब डॉक्टर बेला से तो नहीं था? हाँ, डॉक्टर बेला कैसे जलील करती हैं। हाँ, नहीं अच्छा नहीं कहाँ तौफीक भाई, जलील आपने करते हैं, तारीफ करते अभी हैं बोल सबकी। सकती हो? तौफीक भाई, आपने हाँ कहा था जी कि जी जी मेरी जब जी बोल उस्मान, आपने तब तक बोलना नहीं। अच्छा, जी डायरेक्ट अटैक जी नहीं करना, मैं पहले बता दूं, इनको बता दे। नहीं, नहीं, डायरेक्ट आप चार देखिए बंदे बैठे हुए हैं। मेरी उसमें बात क्या मेरी फर्क बात साहब, मेरी बात देखिए, तो बात तौफीक भाई, सुने। अभी ऐसे उन्होंने लादी नहीं जैसे हम बाकी टीवी शो में बैठे हैं। जबरदस्ती में लाइफ में इतनी देर चुप नहीं रही, मुझे कोई 200 रुपया भी, मतलब के करोड़ भी कहे ना, तुमने 15 मिनट चुप रहना है। मैं बड़ी मुश्किल से रही हूँ, बड़ी मुश्किल से। मैं फारू भी देखें, चला मत उनको पकड़ती रही हूँ। बात करने दें। उन्होंने सारी रात मेकअप किया है, लाइटें लगवाई हैं, पंखा लगवाया, बाल उड़ रहे हैं उनके। तो जी आप बात करें प्लीज। मैंने अपनी बच्चियों को कहा तुरंत एक बार दुपट्टा लेके भी आना, पीछे लहराना है ताकि पूरा इफेक्ट रहे। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, शुक्र करे मैंने अपने घर के बाहर लाइटें नहीं लगवा ली।
यार आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन कि रात से डॉक्टर बेला जो है वो किस तरह जो है ना, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे हवा ना दे चल। उस कोविड में जो सबसे पहली टेंशन ये थी कि जान जाती है तो जाए, मेकअप किस तरह करूंगी, सुबह शो है मेरा। अच्छा अच्छा उस्मान तो का जवाब दे। उस्मान की बात का वैसे जवाब मेरे ख्याल में ये तोफिक भाई, मुझे वैसे सही बात है, मुझे स्पेसेस में कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे जो मर्द है वो औरतों से किसी भी तरह के उसमें आके बात करते हैं, कि बड़े कोई वो नीवे नीवे होके बात करते हैं, या हाँ ये है कि थोड़ा सा उनका वो कहते हैं ना, इतनी औरतें एक स्पेस में देख के वो थोड़े से हो जाते हैं कि यार चल जाते कमाल, इज्जत इतना कुछ किसको देखे किसको पकड़, किससे बात करे किससे ना करे। लेकिन यह है कि वैसे हाँ मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई, अभी मुझे लगता है कि ये वो वाली बात नहीं रही कि वो जैसे थोड़ा परसा पहले चले जाए ना, कि एक बहुत बड़ी हवा होता था कि कोई आप मेल या फीमेल आपस में बात करें। अच्छा तोफिक भाई मेरा थोड़ा सा ये भी है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड है, या जितनी भी प्रोफेशनल खातीन जो होंगी, हम लोग जिस प्रोफेशन से हैं, मैं तो ऑल टुगेदर देखे डिफरेंट प्रोफेशन है, हम तो वो खवातीन है जैसे लेडी डॉक्टर्स है, हमारी एक किताब में लिखा होता था कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल एंड लेडी डॉक्टर्स। तो लेडी डॉक्टर्स को ये लोग ना हम ऐसे हो जाते हैं कि हम वो क्या कहें, दरमियानी कोई छड़े खुसरे टाइप, हमें बिल्कुल हमारा बिल्कुल जेंडर वाइज होता ही नहीं, हमने नाइट ड्यूटीज करनी होती है मेल डॉक्टर्स के साथ, मतलब हमें सीरियसली तो सीख भाई कि मुझे नहीं लगता कि कभी लास्ट टाइम मुझे ये फील हुआ हो कि उस्मान जो है वो एक मेल है और इसके साथ इस तरह बात करनी है, और या फारू जो है वो मेल है तो मुझे अपने झिझक के बात करनी है, या मैंने शर्माना है। भाई अगर मैंने शर्माना होता तो फिर मैं डॉक्टर ना होती, हमारे तो सारे काम मिलजुल के होते हैं, अगर मतलब मुझे यार, हमने तो सही। हर नाइट ड्यूटीज इकट्ठी करनी होती है, हमने मॉर्निंग ड्यूटीज इकट्ठी करनी, हमने लड़ाइयां करनी होती है कि तुम मेरी ड्यूटी करोगे या नहीं करोगे, यानी कि आप समझे ना एक प्रोफेशनल माहौल होता है कि वहां पे हमें लगता नहीं कि कोई ये मेल है या फीमेल है, या हो सकता है कि जैसे अब आप बता रहे हैं कि उस्मान जो है वो एक बड़े ही लो तबके से जिनका ताल्लुक था, तो उनके लाइफ मैं पत्ती वास्ता रूड़ी चुकता बोरियो दूसरे कंधे। उन्होंने लाइफ में जारी बात है उनके लिए बहुत कुछ नया नया, स्पेसिस की दुनिया उनके लिए मैं तो पागल हो गया जी स्पेसेस देख के, आपको क्या पता। उस्मान ने जो स्पेसिस देखी, तो उस्मान ने छुट्टी ले ली 5 दिन 15 दिन जॉब से। अच्छा अच्छा वो अरे असल में हो ये रहा है कि आपकी बातों से फारूक को पसीने आ रहे हैं, तो उसको थोड़ी बात करने दो फारू उसको। ने अपने इफेक्ट पसीने भी, फारू को किसी ने बता दिया मैं पसीना आया ना तो तुम बहुत सेक्सी लगते हो, फारू तो पसीने असल में ना, असल अच्छा में मेरा जो है ना फारूक का एक स्टाइल है, ठीक है। ये जब कैमरे के अच्छा ऊपर आके, जब ये कैमरे के ऊपर आके बात करता ना, डीटो कैसे हो, आज मैं तुम्हें पेलूंगा, तो ये जो तरीके होते हैं ना इसके, लोग इसी पे और जो है ना वो बस कहते हैं पैसा यार मैं लगाते हैं। हो रहा था उधर उस्मान में बैठ खड़े अच्छा जी फारू आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को आगे लेके, थोड़ा बढ़ें प्लीज। अच्छा ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, और अच्छा बात टॉपिक सॉरी सॉरी इसमें ने क्या जुगत मारनी थी। हाँ बाद में हाँ बात। आई थी, आई थी। अच्छा नहीं होल्ड ऑन टू योर थॉट्स डॉक्टर बेला जी। हाँ ये इट्स सॉर्ट ऑफ एन एजुकेशनल थिंग। उस्मान ने बड़ा अच्छा रेज किया और डॉक्टर बेला ने एक बड़ा अच्छा उसमें ये एक उसको वो दिया एज। लेडी डॉक्टर के तमाम तर जो अब जैसे ये डॉक्टर बेला बात कर रही है ना, अब चक्कर ये है कि डॉक्टर बेला का मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है, उस्मान के साथ क्या है, आपके साथ क्या है, वो हम तो जानते हैं, लेकिन जब स्पेस में कोई एक अननोन बंदा आता है और वो देखता है यार ये इतनी खुली डुली औरत, ये तीन बंदों के साथ इसका इतना मजाक है, ईट एंड एवरीथिंग, तो वो मर्द की ना एक बेसिक वो जबिल्लत उसके अंदर जो है ना वो भड़कती है। फिर वो कहता है कि यार ये मेरे साथ भी इसका इतना मजाक हो, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसको बेसिकली वो पीछे की कहानी नहीं पता। अब डॉक्टर बेला का एक तो हमारे साथ तो चलो जो रिलेशनशिप है ठीक है, हमारी तो बहनों की तरह है, गप भी लगाती है, जुकते भी कराती है, सारा कुछ है, लेकिन अब ये तो हमें पता है ना, ये उसको तो नहीं पता, ठीक है। अब उसको ये भी नहीं पता कि बाय प्रोफेशन शी इज अ लेडी डॉक्टर। अब इनकी जो जैसा इन्होंने बताया कि इनका तो सारा जो ब्रॉटअप है एजुकेशन सारे प्रोफेशनल में वो है ही ऐसा कि भाई सीधा होना है, ठीक है, वो ये भी चीज करनी है, मर्दों के साथ फिरना, उनके साथ सर्जरीज करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और वो डॉक्टर बेला ने उसको जो दरिया को कूजे में बंद किया वो यही है कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो फिर मुझे लेडी डॉक्टर होने का कोई वो नहीं है, फिर मैं आराम से घर बैठ जाती हूँ।
तो ये एक तो ये नैरेटिव है, दूसरा जहां तक बात हम करती है ना स्पेसेस की, ये चीज आपको सबसे ज्यादा स्पेसेस में देखने को मिलती है दो तरह की, एक तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ दोस्त बैठे हों और वहां पर कोई अननोन बंदा आ जाए, ठीक, दूसरी ये चीज आपको देखने को मिलेगी उन स्पेसेस में जहां पर किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिबेट हो रही हो, क्योंकि वहां पर वो नंबर ज्यादा हो जाता है। और ये अलग बात है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ चूरन बेचा जा रहा होता है, ज्ञान पिला जा रहा होता है, ना कोई लेके कुछ जाता है ना समथिंग लाइक दैट, वो रोज आके एक ही तरह का मंजन बेच रहे होते हैं, यकीन करें इतना ही। ये लोग ना बाहर किसी रोड के ऊपर सौदा बेचे ना डेली, यही सेम ही, तो वो उनका सौदा बिक जाए, इनको चार पैसे आ जाए, इनके ज्ञान से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, और वो क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन तुम्हारी है कि तुमने अपना इल्म लोगों को दिखाना है, तो वो इल्म जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो ना वो बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है, सिंपल इज दैट। तो वो ये तौफीक साहब मैंने देखा है इन दो जगहों के ऊपर ना आकर ये चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और अब इसके कॉजेज क्या हैं उनके ऊपर फिर वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिए आप, मेरा एक क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ? जी जी आप करें। इसने हाथ खड़ा, हाँ आपने हाथ खड़ा किया, आर यू सीरियस? हाँ मैंने कहा दिखा दूँ मेरा हाथ है। मैंने ये देखा है की ट्विटर स्पेसेस में खास तौर पे असल में होता यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें अननोन लोग मिले हैं, मतलब मैंने इतनी ज्यादा अननोन लोगों के साथ इतना फ्री होते हुए अपने दोस्तों के साथ, यानी हम यहाँ पे वो क्या कहते हैं ना देखने वाले बहुत हैं, तो जहाँ देखने वाले बहुत हैं और जो मुझे जानते नहीं पर्सनली, तो जजमेंट्स बहुत ज्यादा है और बड़ी स्ट्रांग जजमेंट्स है, यानी कि अगर किसी भी स्पेस में मेरी उस्मान के साथ फ्रेंकनेस है, आप यकीन करें तौसीफ भाई कि मैंने जैसे कहा तौफीक भाई के जैसे शुरू में मैंने कहा है ना कि हमें मुझे उस तरह आदत नहीं थी, मेरे बहुत से मेल कोलीग्स हैं और जो बाय चांस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, जिन जो अभी आप होते होंगे आपके भी हैं, फारूक की भी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, ये नॉर्मल है, आप अमेरिका में रहते हैं आपको पता है ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि वो अच्छा। तो मैंने ये देखा कि जैसे शुरू में मैं स्पेस में आके बोलती थी कि अच्छा उस्मान आप कैसे हो या इस तरह, तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बाद में डीएम करके कहा कि यार स्पेस में जो बाकी लड़कियां ना वो मुझे कहने लग पड़े हैं कि यार तुम्हारी बेला के साथ शायद कोई वो है, वो तो तुम्हें इतनी फ्रैंक है तुम्हारे साथ, तो तुम प्लीज ना मुझे भाई कह दिया करो। तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा यार कि लोग और मतलब कि उन बेचारों की इज्जत बचाने के लिए मुझे फिर उनको भाई कहना, मेरे भाई हो तुम लोग सेफ हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तौफीक भाई कि कितने जजमेंटल लोग हैं कि आप मतलब होता ही है कि जब आम कॉलेज लाइफ में तो सबको पता होता है कि ये खास नेचर की लड़की है, ये ऐसे यबड़े मारती है, तो इतना मेरे हाथ से जज नहीं करते। इधर ये है कि जज बहुत करते हैं लोग, मतलब मैं अगर फारूक के साथ मजाक कर रही हूँ तो नीचे पांच लोग जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, जिनके लिए जैसे उस्मान ने कहा है और उस्मान ने गलत नहीं कहा, जिनके लिए आज भी लड़की बहुत बड़ा हवा है और वो अगर आज भी उससे बात कर ले तो उनके चार दिन बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, वाह भाई वाह उस बच्ची ने मुझे हेलो कहा, देखा यानी जरूर अब वो रिश्ता भिजवाएगी मेरे घर, कुछ ना उन वो कहते हैं ना कि एक लंबी स्टोरी उन्होंने पकड़ी होती है कि कमाल है बच्ची फंस गई है, मुस्कुरा दिया उसने आज, तो उन्होंने ये मैं बताऊं ये एक फिनोमेना है डॉक्टर बिरला, ये फिनोमेना ये अच्छा मैं अच्छा मैं थोड़ा आप व्हेन यू आप जब आप खत्म कर लें तो आई वांट टू ऐड टू थिंग्स। तो मैं तौफीक भाई ये कहना चाह रही थी कि ऐसे लोगों के लिए हमें ये कैसे हम बताएं कि ये कोई बहुत बड़ी बात, अब इस जमाने फी जमाना रह नहीं गई, मतलब कि अगर कोई किसी को भाई या उस तरह बात कर रही है या अगर उसका एक कंफर्ट लेवल है अपने किसी दोस्त के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार वो जरूरी कोई बहुत ही वो खराब किस्म की लड़की है या वो फिर इसी कामों में वो ट्विटर स्पेसेस पे करने ही आई है, मतलब कि आप बिल्कुल वो स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं कि अच्छा अगर ये ऐसे कर रही है ना तो बस जी ये तो फिर इसी मतलब उसमें कैटेगरी। कैन आई जस्ट ऐड समथिंग टू दिस, मैंने बात जिनके वो जिनको जिनके लिए जिनकी दुनिया सवर जाती है अगर लड़की बात कर ले तो चार दिन अच्छे गुजरते, एक फिनोमेना है ये फिनोमेना, इससे हम लोग भी गुजरे हैं, खासतौर पे मेरे जैसे बंदे जो एक छोटे शहर से उठ के आए हैं और हमने कोएड में नहीं पढ़े, सो जब हम कॉलेज में थे और जब जवानियां फूट रही थी और मूछों को ताव देते थे, होती चार बाल थे लेकिन उनको भी मरूड़ियां देते थे और लगता था कि दुनिया में सारे हम ही देख रहे हैं, तो यही होता था कि जब हम जा रहे होते थे दोस्त यार जा रहे होते थे और अगर कोई लड़कियों की कॉलेज की वैन गुजर गई है तो यूं जो है ना 40 इंच की छाती को बड़ा करके 56 बनाने की कोशिश करते थे,
तो उस वक्त भी जो है ना वो यही होता था कि एक दूसरे को ना फिर जब अगर गुजर गई तो जाहिर है लड़कियां भी बैठी हुई वो भी देख रही है, तो फिर अपने एक दूसरे को ना एक्नॉलेजमेंट होती थी कि देखा उसने मुझे देखा है, हम चारों में से ना वो मुझे देख रही थी। यानी आप कह रहे हैं कि आप रोज गर्ल्स कॉलेज जाते थे 10 वर्ष से? देखिए छोटे शहरों में ना हर जगह कॉलेजेस करीब करीब ही होते हैं। प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक जमाने में गर्ल्स कॉलेज में जॉब भी की है। सो जो मैंने देखा है ना वाकई जी इस तरह कैंटीन में लाला मूसा गर्ल्स कॉलेज में, लाला मूसा गर्ल्स कॉलेज में कैंटीन तो छोड़े, वहां पे मैं एक जमाने में एक जॉब की थी, बस घंटी बजाने वाला चाचा होगा ये पीए ने। और यार निकलती थी नंबर पकड़ाते थे। मैं आपको बताता हूँ ये पूरा एक सेशन हो सकता है इस मेरी उस मैंने की 4 महीने थी लेकिन उसपे पूरा एक सेशन हो सकता है, बड़ा बड़ा काम हुआ था। अच्छा तो वो एक लतीफा भी है ना कि उसने कहा कि मुझे एक मिनट। तो आपकी जो डॉक्टर बेला आपने पहले बात की यू नो कि जब स्पेसेस में, खाली स्पेसेस में नहीं, इन जनरली ये आई थिंक हम लोग के नेचर में है, बहुत जल्दी हम जज कर लेते हैं किसी को किसी बात से, या जैसे मैं आप मुझसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं और हम किसी महफिल में बैठे हैं तो फौरन कोई ना कोई जो दूर दराज बैठा होगा वो जो है ना द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक जस्ट लाइक स्पेस, वो जो दूर दराज बैठा हुआ है वो बोलेगा यार इनका पता नहीं क्या चक्कर है, ये दोनों क्यों इतने खुलम डुला और मस्ती मजाक कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्या कोई चक्कर होगा इनका। तो फौरन जो है वो ओपिनियन बनाना और जज करना, तो यही चीज स्पेसेस में भी हो रही है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो होता यही है, अक्सर मैं स्पेसेस में बात भी करता हूँ कि देखें हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं हम एक दूसरे को बड़े अरसे से जानते हैं, दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग जोक्स एंड यू नो हैविंग फन। तो जो भी नया बंदा आता है माइक पे या महफिल में बैठता है does not have liberty to crack joke with Dr. Bela or XYZ or anyone else, kyunki wo to nahi aapko jante, aap to mujhe jante hain, aap mujhe koi mazak kar sakte hain Farooq ke sath, Usman ke sath, but to ye wala problem jo hai hum aksar address karte hain aur ye hamare maashre mein bhi hai, jaise kahin aap shaadi biyah mein bhi chale jaye, agar kisi dinner pe chale jaye to agar aap baith ke kisi se gup laga rahe honge to shayad jo dur baithe honge unko wo opinion banana ya aapko judge karna shuru kar denge कि पता नहीं क्या बात हो रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सेम चीज जो उस्मान बात कर रहे थे, तो उस हवाले से जो आप ओपिनियन और जज का कह रही थी दैट्स दैट प्रॉब्लम है, मगर ये कि इसका सलूशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन स्पेसेस में एटलीस्ट हम कह तो देते हैं कि यू नो डोंट मेक जोक्स टू विद एनीवन एल्स। ये जब बात हम करते हैं ना कि इन चीजों को, इन रवैयों को, इन बिहेवियर्स को जब हम डिस्क्राइब करते हैं या इन पर बातचीत करते हैं, हम कभी मजाक कर दिया, कभी कुछ सीरियस बात होती है, ये बिहेवियर्स जो है ना ये ओवर द टाइम चेंज होंगे, और ये मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एक दो नस्लें मरेंगी उसके बाद चीजें सीधी होंगी। ये अब जो नहीं है ओवर द टाइम डेवलप हुआ है, और वो तब हुआ है जब आप देखें कि अप टिल 60s 70s वी वर वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, हमारी कौम इस तरह की नहीं थी, हमारे यहाँ दुनिया की हर एक्टिविटी होती थी, लाइक स्टार्स आपके आते थे, मूवीज बनती थी हमारे कराची में, क्या नाम है, क्वीन दौरे करती थी, लाइक हर किस्म की एक्टिविटी जो एक किसी भी महजब माशरे में होती है, ग्लोबल एक्टिविटी वो होती थी हमारे यहाँ। तो जब हम लोगों ने हर जगह से क्लोज कर दिया ना अपने आप को, और उस पर एक कल्चर का और एक सूडो मजहब का एक ताला लगा के उसकी चाबी हमने दरिया में फेंक दी, उसके बाद सारी चीजें जो है 20-25-30 साल लगे हैं ये रवैये डेवलप होने में। क्योंकि जब आप देखिए हमें ये चीज देखनी चाहिए कि मर्द और औरत दो बींग्स हैं, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप मर्दों को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दें कि वो औरत को देख भी ना पाए, और औरत को सेग्रीगेट कर दें कि वो मर्द को देख ना पाए। There has to be a balance जहाँ पे आप दोनों अपनी अपनी cultural values या मजहबी values के या limitations के अंदर रह रहे कि एक दूसरे से coordinate करें और एक दूसरे के साथ काम करें, ठीक है। ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप जो है ना किसी के साथ वो भी नहीं कर सकते, coordinate नहीं कर सकते किसी भी। सो ये जब develop हुआ है तो ये एक पूरा रवैया, एक पूरी नस्ल जो है ना ये 20-25-30 साल में बनी है। सो इसका solution अभी नहीं है, all we can do is we can talk and we may just you know
टॉक अ लिटिल बिट मोर, टॉक ओपनली, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसका कोई असर हो. आज कोई बात सुनेगा, किसी को शायद शो में से कोई एक दो सुन ले, दस सुन ले, वो दस आगे करेंगे तो दस से हजार होंगे, हजार से जो भी है सो होंगे, जो भी होंगे. तो बेसिकली हम मैसेज क्या दे रहे हैं ऑडियंस को, मैसेज क्या दे रहे हैं, व्हाट मैसेज आर वी गिविंग टू द ऑडियंस? मेरी तरफ से मैसेज ये है कि ट्राई टू ओपन योर माइंड. डू नॉट, ये डॉक्टर बेला ने भी बड़ी प्यारी बात की, जजमेंटल. ये ऐसा की वर्ड है कि वंस यू स्टॉप जजिंग एनीबडी, आपकी दुनिया खुल जाती है. आप एक दिन ये जज करना छोड़ दें कि खुदा ना खास्ता अगर फारू ने कोई ऐसी बात कर दी है तो बस ये एक खास किस्म का बंदा है, या डॉक्टर बेला ने कोई किसी के साथ मजाक किया तो खुदा ना खास्ता एक खास किस्म की बंदी है, इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, फारूक को एक बॉक्स में बंद कर दिया, आपको एक बॉक्स में बंद कर दिया, मुझे एक बॉक्स में बंद कर दिया. जिस दिन हम ये बॉक्सेस खोल देंगे ना, क्योंकि बंदे हमेशा हर तरफ हर मुल्क में, आप भी बाहर रहते हैं, फारूक की भी बड़ी इंटरेक्शन है, डॉक्टर बेला यहाँ पे है, मैं यहाँ पे, फिरते बंदे इन एसेंस एक ही जैसे हैं सारे. सर बंदे सारे एक जैसे हैं. आप इटली चले जाए ना, मैं इटली अभी गया हुआ था तो वहां पे वो एक माई मिली, बोल नहीं सकती थी, अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी, क्लासी माई, बेहतरीन भाई, उसकी बातें वही थी जो हमारी अमियां करती हैं, हमारी दादियां करती हैं, वही उनकी चीज है. सिर्फ कल्चर और मजहब का थोड़ा सा वो चेंजेस आ जाती हैं जो के विच इज नेग्लिजिबल इन दैट वे. इंसानी जैसे बात की ना, जिबिलतें और बिहेवियर्स इन एसेंस एक ही जैसे हैं. तो इसका मतलब है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं सीखता हूं, मैंने क्या सीखा है इससे. या मेरा ये हाल है तौफीक भाई कि आप, मतलब मैं अपने लिए अगर बात करूँ ना, जो मेरी तरह की ख्वातीन हैं जो इस टाइम ट्विटर स्पेसेस पे हैं, और जो मैंने अपने लिए सोचा है, मैंने देखा है कि मैंने अपना कुछ सर्कल और अपने कुछ फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कर लिए, और मैंने ये सोच लिया कि अगर इनको फर्क पड़ रहा है तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए. इसके अलावा मेरे सर्कल्स के अलावा जो दुनिया सोच रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे जिंदगी आप हर एक को खुश नहीं कर सकते. हर एक बंदा अपनी ऐनक से दुनिया को देख रहा है. अगर उसने ब्लू ऐनक लगाई है तो मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, उसने मुझे ब्लू ही कलर में देखना है क्योंकि उसकी ऐनक ब्लू है. जो स्लीवलेस लड़कियां हैं उनको फुल स्लीव वाली लड़कियां समझ नहीं आती, जो फुल स्लीव वाली लड़कियां उनको पर्दे वाली लड़कियां समझ नहीं आती. ये एक जजमेंट का लेवल हर कोई हर जगह कर रहा है. अब हमने क्या करना है कि मुझे ये कहना है कि मुझे ये सबको कहना है कि मुझे, मैंने अब सोचा हुआ कि भाड़ में जाए कोई अगर मेरे बारे में सोच रहा है तो मैं खुद सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मेरे दोस्त कम हो रहे हैं, नहीं, क्या मेरे जो दोस्त मेरे सर्कल में है क्या वो मुझसे बातचीत करना बंद कर रहे हैं, नहीं, क्या मेरे खानदान वाला इफेक्ट हो रहे हैं कोई, नहीं, तो मुझे फिर क्या फर्क पड़ रहा है भाई. चार लोग जो बैठे हुए कीबोर्ड पे बैठ के मेरे बारे में सोच रहे हैं या किसी के भी बारे में सोच रहे हैं तो सोचे, वो बेचारे इतने वेले हैं, फिर उनका काम ही है. तो मेरा ख्याल है कि ये उस्मान वाली बात, जो बाकी पूरे माशरती चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा, वो टाइम ऐसे लगेगा. अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप इस चीज का थोड़ा, अभी तो बहुत पाकिस्तान में भी फर्क आ गया, अब तो वहां पे भी बच्चे उस तरह नहीं सोचते, अब तो बहुत नॉर्मल हो गया, पेरेंट्स के लिए भी नॉर्मल हो गया किसी हद तक, लेकिन फिर भी बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है. आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज से बाहर निकलेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा हवा है कि नहीं है. जी, इसके लिए तो एक जनरेशन लगेगी, बहुत टाइम लगेगा. लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि वंस दिस स्टार्ट द प्रोसेस स्टार्ट्स, ये ग्रो एक्सपोनेंशियली करता है. लेकिन चूंकि वी आर वेरी वेरी बिग पॉपुलेशन, तो उसको वो सराहियत करने में जो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. डॉक्टर बेला, ये जो है ना आपने बात की जजमेंट की, और ये तो मैंने इसके लिए मेरा एक वर्ड है, जज पैक्टिकल्स. ये वो एनके जजमेंट की एनके लगा के पहनने बैठी होते कि आप के लिए. और ये मैंने अपनी एक रीसेंट ट्वीट में, तौफीक साहब पहुंच के होंगे, मैंने वहां पे यूज भी किया था ये. किसी ने मेरे बारे में कुछ ऐसी ट्वीट की थी, मुझे कुछ ऐसा कहा था, तो मैंने उनको कहा था कि यू हैव टू टेक ऑफ योर जज पैक्टिकल्स, एनके लगा के बैठे हुए हैं. सो यस, दिस इज समथिंग. लेकिन आई थिंक द एटीट्यूड स्पेशली फॉर वुमेन, we need attitude like Dr. Bela. हर एक को ना lady doctor बना दे पाकिस्तान में, सीधी सी बात. मेरे हाथ से बहुत सुन रहे हैं lady doctor कुड़ियां यार. मैं बताता हूं, फारू ने ऐसे बात शुरू की, यार तुम लोग तो पागल कब से लगे हो. मैं बता, ओए नहीं, ओए तुसे लोग के साथ तुसे सारे चवला मार रहे हो. मैं गल कर, मैं जिस किस्म का बंदा हूं ना, नहीं मैं जब आया था ना इधर ट्विटर स्पेसेस पे और रीच एंड एवरीथिंग, पहले मैं चुप करके बैठा रहता था नीचे लिसनर के ऊपर. मैंने कहा चलो, क्योंकि मैं अपने उस्ताद के साथ कोई 20 साल गुजार के आया था इस दुनिया में, ये ट्विटर स्पेसेस में, तो मुझे पता था ये फलसफा क्या चीज होती है, ये
उसको क्या कहती है, अस्मा और रिजाल क्या होता है, शान नजूल किस चीज का नाम है, ये चीजें चीजें इजड़ एवरीथिंग मैं पढ़ के आगे बैठा हुआ था यहाँ पे, ठीक। तो मैं जब सुनता था, मैं सुनता रहता था चुप करके। पहली स्पेस जिसमें मुझे माइक ऑफर हुआ, अब ये बात की है, सुनते रहते नहीं थे, माइक नहीं मिलता था असल में, तो जिस दिन पहली तब माइक मिल गया। नहीं, वो मुझे मुझे जो पहली मेरी इंटरेक्शन थी वो भी एक खातून के साथ थी, वो मेरे ट्विटर के ऊपर मेरे म्यूचुअल्स ने भी हैं और मैं तो उनको प्यार से खांजी कहता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे जिस तरह का मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिस तरह की मेरे साथ गप लगाई, ईच एंड एवरी थिंग, आप यकीन करें कि वो गप थी कि मैं अभी तक ट्विटर के ऊपर हूँ और मैं स्पेसेस में आ जाता हूँ, वरना मेरे जैसा बंदा क्लोज कर चुका होता उसी टाइम में उस चीज का चैप्टर, अगर मुझे वहां से वो कॉन्फिडेंस ना मिला होता। ट्विटर के ऊपर मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर बेला हो गई हैं, हुमा हो गई, हुमा तो सही, वो जिसे कहते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है भाई, वो लाहौरन होने का हक अदा करती है। वो उस्मान को पता है, वो जो रोला नहीं हुआ था, वो जिसका मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, अगली ने जाके कमेंट्स में मंडा हुआ था कि बंदा कोई देख सुन के बात करता है, वो आपके पास दोस्त हो तो ऐसा हो ना फिर। तो आपको ये तौफीक साहब, मैं इस चीज के ऊपर ना मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि जो कॉन्फिडेंस आपको औरत की तरफ से मिलता है ना, वो अनमैच्ड है, और उस कॉन्फिडेंस को लेके मर्द बड़े से बड़ी तोप चला सकता है पहाड़ों में, वाकई यकीन करे सुरंगें खोद सकता है, कुछ भी कर सकता है जो खवातीन की तरफ से कॉन्फिडेंस आता है। तो अब ये जो हमारी कन्वर्सेशन आता है या मिलता है, वही मतलब मिलता है जो भी है। अच्छा। तो वो अच्छा, अब इसमें जब हम ये बात करते हैं ना, जो अब मैंने पहले कहा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, तो भी सब ये अभी स्टार्ट हुई है, ये पहले नहीं थी, ये जजमेंटल होना हमारा ईच एंड एवरीथिंग। यार मुझे याद पड़ता है जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग, लोग इतने जजमेंटल नहीं थे, दरगुजर कर देते थे, अमेरिका में बैठ के एक बात करता तो पाकिस्तान के गांव का बंदा जो है ना उसको ठक से जवाब मारता है कि तू घर किस तरह देती। उस वक्त वो नहीं, उस वक्त हल्का है बाप, वो छोटे होते थे, आपने खड़े पे जाके बैठना ना, 10 लोग आपके साथ होते थे और आपकी उम्रें निकल जाती थी उन्हीं 10 लोगों में बैठने बैठ के। हाँ ठीक है। अब जो है ना, अब आपका हल्का है भाव बहुत बढ़ गया। हाँ। अब आप उन 10 बंदों से बात नहीं करते, आप एक दिन 10 बंदों के साथ बैठे हो, एक दिन 100 डिफरेंट बंदों के साथ बैठे होते हो। हाँ ठीक है। तो ये तो, इसकी वजह से ना आपको लोग नजर ज्यादा आ रहे हैं, आपका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। तो फिर ये तो आपकी उस बुनियादी जबिल्लत को जाके हिट करेगा ना कि इंसान के अंदर वो है तो सही कि मैं एक तो प्रोमिनेंट हूँ सब में, और दूसरा कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसे सब एग्री भी कर जाए। वो जो एक उदाइयत का आंसर आपके अंदर है, ये उसकी सारी मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं खुद भी ये कहने लगी थी कि कहीं ना कहीं जजमेंटल तो हम सब हैं। अब हम किस चीज को जज कर रहे होते हैं, हम बगैर जज किए तो जिंदगी नहीं ना गुजार सकते। अगर मैंने फारूक को जज किया है कि मुझे ये चीजें फारूक में अच्छी लग रही है, और मेरा ख्याल है कि ये बंदा मेरे जजमेंट के हिसाब से ये मेरे फ्रेंड सर्कल में आने के काबिल है, ये ओपिनियन है। जजमेंट जो है ना, देखिए डॉक्टर बेला, जब भी किसी, मैं आपको पहली दफा देखूंगा, फारूक को पहली दफा देखूंगा ना, मैं एक ओपिनियन बनाऊंगा आपके बारे में, आपकी जारी शख्सियत जब आप बोलेंगे मेरी, उसमें एक और रंग आएगा मेरे उस जजमेंट में, तो मैं एक जजमेंटल होके आपके बारे में एक ओपिनियन जरूर बनाऊंगा। प्रॉब्लम वहां पे होता है, प्रॉब्लम वहां पे होता है जब मैं उस जजमेंट को ना उस एक मुलाकात पे या एक एनकाउंटर से ना उसको एब्सोल्यूट बना देता हूँ, और आपको जैसा मैंने कहा ना उस बॉक्स में डाल दूं। हो सकता है भाई आपकी आज मेरे साथ एक अच्छी इंट्रैक्शन नहीं हुई, या आपके आप आज बुरे मूड में है किसी वजह से, आपकी मेरी अच्छी इंट्रैक्शन नहीं हुई, और मैं ये कह दूं कि यार ये डॉक्टर बेला तो है ही बड़ी नकचिड़ी और ये और वो है। हो सकता है आपका दिन अच्छा ना गुजरा हो, आप किसी परेशानी में हो, मैंने आपको जजमेंट करके वो बॉक्स में डाल दिया, और फिर मैं उसके साथ जीने लग पड़ता हूँ कि डॉक्टर बिला ऐसी ही औरत है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी कोई जजमेंट बना लेते हैं, तो फिर आप जब उसको दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं ना कि मैंने ये जजमेंट बना लिया कि उस्मान मेरे ख्याल में कोई ऐसा लड़का है, अब तौफीक भाई भी माने ये ऐसा लड़का है, फारूक भी माने ये ऐसा लड़का है, क्योंकि मैंने ये जजमेंट बना लिया वो ऐसा लड़का है, फिर आप एक चीज करेक्ट करनी है, उस्मान आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, औरत नहीं लड़की बोलते, तो दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, सो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। तो रोटी खा के आया कर रहे,
हमारे सामने चबड़ी चबड़े शुरू हो जाता है, क्या खा रहा है, तो क्या बद्दा है यार, कौन सा बड़ा कुकर खटा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक टिशू है खा, शैम्पू टिशू 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 साशे खरीदने वाली कौन, हर चीज साशे नहीं होती, हर चीज शैम्पू नहीं होती, टिशू ही है, टिशू ही है, साशे खरीदने वाली कौन है बेचारे, अरसा हो गया ना वड्डी बोतल नहीं कोई चीज देखी लाइव, मुझे फारूक से एक सवाल करने दे, सवाल ये है कि जो जो आप इतना आजाद से क्यों बैठा है फारूक, ऐसे दुनिया से था, इसको पैसे दिया करे तो बीबी नहीं नहीं मैं इसी तरह का बैठा था तू परसों कभी इधर देख रहे यार ये वो कोम है ना, ये वो कोम है, ये जो है ना इनको ये साथ वाले थे वो तेल भी मांगने आए थे वो टक्कड़ में डाल के देते हैं ये रवि अपनी तेल जाना नहीं नहीं डॉक्टर बेला ये परेशान इसलिए हमें पिछली पेमेंट दी नहीं अगले शो में बुला लिया क्या नहीं नहीं परेशानी इसको क्या है, परसों बकरा ईद है तो छुरी तो नजर आएगी ना, बकरा भी नहीं लिया उसने मुर्गी का वो हिस्सा डाला यार अभी बकरा भी लेना है यार, देखा ना देखा मैं इसलिए देखा जाएगा फारू आप लोगों में बकरा हो जाता है क्या आने वाले अभी भाई कसाई की मिनते भी करनी है, अभी कसाई की मिनते करनी है कि पहला अभी इसने कसाई की मिनते करनी है कि पहला बकरा जो है दिन का हमारा करना प्लीज बड़ी तेरी मेहरबानी, अभी अभी कसाई ने छुरियां तेज करते हुए कहा देख लांगे कोई नहीं साइड पे हो और नहीं नहीं इतना मैं नहीं, वो अब्बा जी जाते हैं वो मैं उनके साथ सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता हूँ, ये अपनी यहाँ पे गेम भाई ने सेट रखी हुई है पीछे बस खड़े होंगे अब्बा जी, फिर ठीक है अच्छा मेरे अब्बा जी का ना बड़ी एक फिट बात है, बंदा 1.5 लाख मांग रहा है बकरे का, मेरे अब्बा जी पता क्या कहते हैं 20,000 20,000 यार पारू पारू अब मैं पाकिस्तान आऊंगा ना तो मैं शॉपिंग करने आपके अब्बा जी के साथ जाऊंगा, मैं तुझे बताऊं मैं अपने अब्बा जी के मैं अपने अब्बा जी को कहता था कि आप जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना लोग दुकानें बंद कर देते हैं, जमान साहब निकल आए हैं, ये बताएं कि आपने हेडसेट लगाया हुआ है या सिर्फ आप अपने लैपटॉप पर, मेरी अल्लाह ने गले में लगाया हुआ है मुझे जरूरत नहीं पड़ती, नहीं नहीं वो बीच में एको हो रही थी तो इसलिए मैं पूछ रहा था, वो कई एको हो रही थी बीच बीच में तो मैं लगा लेती, मैं लगा लूं, नहीं 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 इट्स ओके जस्ट बड़े झुमके पहने होंगे, लाइटिंग खराब हो जाएगी, मेकअप शेकअप ना खराब हो जाए तो नहीं मैं उठ सकती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उठने का मौल बनाया हुआ मैंने मैं लेके आती हूँ, अच्छा तो फिर सर क्या सवाल कर रहा था आपने, नहीं मैंने आपसे ये पूछना था कि पाकिस्तान का थोड़ा माहौल बताएं ना माशरे का, उसकी बात करें थोड़ी सी माशरे में जो ये प्रॉब्लम्स है जजमेंट की और रिश्तेदारों में मेहमानों में पब्लिक में attitude, guys attitude towards women, थोड़ी सी बात करें तो 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। यार तौफीक साहब मैं आपको बताता हूँ ये बुनियादी तौर पर ना मुझे ये भी आइडिया हो रहा कि ऑल ऑफ अ सडन ये हमारी सोसाइटी में हर चीज में इतना ये टर्मोइल कैसे आ गया जी, इन्होंने गोला गंडा कर दिया हर चीज का यार, इट हैज नथिंग टू डू विद मजहब, इट हैज नथिंग टू डू विद कल्चर, ये कोई इन्होंने ना दिमाग में ना कुछ जर्दा पका लिया सबने और वो मुआशरे में ना जहर की तरह फैल गया है यार, हमारे यहाँ खातून बुरका पहने उसको भी इशू है, स्लीवलेस पहन के निकलेगी उसको भी इशू है, वो प्रॉपर शलवार कमीज सर पे दुपट्टा लेके निकलेगी तो भी उसको इशू है, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन के खैर उसने तो उस नर की बच्ची ने तो बड़ा फिट काम किया, she was going down from the escalator and the guy was coming up, रेडी नहीं था कि ये तो मुझे खींच लेगी और जब उसने खींचा ना वो गिरा है, और जब उसने ट्वीट की ना मैंने कहा यार ये मैं जरूर सुनूंगा, क्या सुथरी की है कसम से, मतलब
यार ये 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 कौन सा खन्नास है तुम्हारे दिल में और तुम टच करके क्या पट लोगे, मतलब कौन नहीं समझ आती कौन सा तुम्हें तमगा मिल गया। यार अब फिर बात, आप ऐसी बात कर रहे हैं, टच करके क्या नहीं होगा, जब बंदे को जो है ना देखना जिसको जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की ने टच किया हो ना, तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है उसका, बंदा फालतू हो गया भाई, फालज हो गया है। यार नहीं तो वो फिर फालज, ऐसे फालज का इलाज ही है कि उसका वो उतार दो फिर, इधर वो बाजू है या जो भी है भाई, ये कोई तरीका नहीं है। इलाज तो है, इलाज तो यही है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फीलिंग आती है ऐसे बंदों को। यार उस्मान ये तो फिर सीधी सी एक बात बताऊं, ये फिर मेरा वही वाला फलसफा बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत तेजी के साथ फैल रही है और हमें पता ही नहीं है। तो मतलब फारूक आपका, अब तो हम इनको सही करने की तरफ चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ अब तो बेहतर हो गया, पहले बहुत ज्यादा था ये काम, पहले तो औरतों ने बड़ी हिम्मत पकड़ी हुई, अब तो चपेड़े मारते रहते हैं और चपेड़े पड़ती हैं अभी ने, आप तो खींच के वापस ला के लगाती हैं। यार तौफीक साहब मैं आपको बात बताऊं, आई हैव सीन मल्टीपल वीडियोस, मैं नॉर्मली बड़ा कोशिश करता हूं कि कूल काम रहूं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं कि खुदा की कसम उन्होंने मेरा इतना मीटर शॉर्ट कर दिया। मतलब एक तो वो लड़के ना सिर्फ लड़कियों को छेड़े थे जो गाड़ी में ट्रेवल कर रही थी, जब इन लड़कियों ने उनकी वीडियोस बनाने की कोशिश की है, दे शोड दोज लेडीज मिडल फिंगर। मतलब दिस इज समथिंग कि मेरे जैसे बंदे का, मतलब ना वो मेरी बहन है, ना माँ है, ना बेटी है, मुझे कंसर्न नहीं होना चाहिए, मेरा खून खोल उठा। मैंने कई जगहों पर रिप्लाई किया था कि इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी थी तुम लोगों को, बिल्कुल इसको ये डिजर्व ही नहीं करता इस रहना। मतलब एक औरत की तुम ये इज्जत नहीं कर सकते कि तुम उसे मिडल फिंगर दिखा रही हो, अपनी माँ को जाके दिखाओ ना, बहन को दिखा ना, बीवी को दिखा ना। ये बेचार ये जो खवातीन घरों से बाहर निकल रही है, इनकी जिंदगी नहीं है। ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इतने इनसिक्योर होते हैं कि ये खुद जाके हरकतें करते हैं और अपने घर की बीवियों या माओ बहनों को ना छह पर्दों में डालते हैं कि बाहर नहीं निकलना। वो लोग होते हैं जो निकलना, जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, बाहर नहीं निकलना, इन्होंने बाहर जाके ना खराब किया हुआ है बिल्कुल। और फारूक मैं वही कह रही हूँ, आपने तो देखा है सिर्फ एक या दो वाक्य, खवातीन पाकिस्तान में जो रहती है वो तो हर दिन इससे गुजरती है और गुजरती है और से गुजर गुजर के वो इतनी हिम्मत अब आ गई है उनमें कि अब उन्होंने हिम्मत पकड़ी एक दूसरे को देख के मर्दों से। मैं आपको बात बताऊं, मैं भी पाकिस्तान में पिछले साल पाकिस्तान में रहूं, मैं तकरीबन 17-18 साल से यहां पे हूं, तो मैं पहली बार इतना था कि मैं पाकिस्तान में जाके एक साल रहा हूं। वरना आप जाते हैं 2-3 वीक के लिए, गए आप दावतें खाएं, इससे मिला उससे मिला, वापस चले आए, ठीक है, तो आपको अंदाजा नहीं होता। इस बार मैं एक साल रहा हूं और जितनी कोफ्त मुझे वर्किंग खवातीन को देख के, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं एवरीडे लाइफ में देख के हुई है ना, आप यकीन करें खून खोल उठता था कसम से, कसम से। मैं और ये मैं वाकई एक चीज कहता हूँ कि हमारी खवातीन की हिम्मत है जो बेचारी वो करती है। भी कल परसों की बात है यार, आपने भी देखी होगी, वो एक तस्वीर आई भी है कि लड़की जो है वो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट है, तो लोग उस पर कह रहे हैं कि ये क्यों है, कई लोगों ने उस पर किया। मैं यार तुम लोग ये नहीं देखते कि यार एक बंदी इज्जत के साथ अपनी हलाल की रोटी कमाने निकली है, पता नहीं क्यों आप क्यों उसको ये कहते हो कि जी उसको नहीं निकलना, माशरा ऐसा बना दो कि इनको निकलने की जरूरत ना। भाई माशरा ऐसा बनाओ कि हर बंदी अपनी मर्जी से अपना काम जो करना चाहती है वो करे, माशरा ये बनाओ आप ये ना बनाओ कि माशरा ऐसा हो कि लड़कियों को निकलना ही ना। क्यों भाई उन्होंने नहीं दुनिया देखनी, वाकई लड़कियां जो है ना इनके ख्याल में पता नहीं ये पैदा क्यों हो गई है, इनको हम ऐसा क्या करें कि ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना ये कब ये इस चीज से निकलेंगे कि इसको हमने सीधा करना है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे काबू में नहीं आ रही और इसको उस तरह से कुछ करना है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के ये सबमिसिव बिहेवियर अपना कायम रखे। अब मेरे ख्याल से इन चीजों से निकलना चाहिए यार। अब लेकिन देखे डॉक्टर वेला, मसला ये नहीं है ना कि देखें एक तबका है जो पढ़ा लिखा तबका है, उनका जो तरीके कार है वो डिफरेंट है, उनके फैमिलीज वाले बाहर भी निकलते हैं, बाहर जाते भी हैं, अब वो यू नो दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन एक मिडिल क्लास तबका है, फिर मिडिल क्लास से लोअर क्लास तबका, वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जो मिडिल क्लास तबका है दे आर द मोर वर्किंग वुमेन, वो ज्यादा बाहर जाती है काम करने, उन्होंने बसों में भी जाना है या भाई ने छोड़ना है या हस्बैंड ने कहीं जॉब पे छोड़ना है, पिक भी करना है या कभी उन्होंने रिक्शे पे आना है, टैक्सी पे आना है, उबर पे आना है, तो
वो वाला तबका है ना जो जो इस हरासमेंट से गुजरता है, जो खवातीन वाला, तो उसके लिए जो है ना सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए एक चीज, दे फेस दैट प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा पता है किस क्लास में, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, जो मुफलिस वही है ना, ना उसकी वही बेटी भी काम कर रही है बेचारी, वो खेत में भी जाके काम कर रही है, वो बेचारी बाहर जाके ना लोगों के घर में सफाइयां भी कर रही है, वो मुख्तलिफ घरों में जाके सफाई, वो गरीब है क्योंकि उनकी सर्वाइवल है, जो अमीर है ना वो तो उनके तो खेखड़ी हो रहा है ना, यू नो आई आई नीड सम एडवेंचर इन माय लाइफ, यू नो सो आई हैव गॉट टू डू सही बात है। एक तो वो है अगर मिडिल क्लास, ये जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग है ना, इन लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोगों को मजहब कल्चर रिवायात रिवाज इनमें दबा दबा के जी ये नहीं करना, तुसी ये नहीं करना, ए खातून इंज ना बाहर निकले, साडी बेटी बाहर जाके काम हाँ करेगी, पता नहीं ए क्या फैक्ट्री है होंगे। ये हम मिडिल क्लास में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ वो आप सही कह रहे हैं, मिडिल क्लास का ही प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक जो इलीट क्लास है वो उनका मसला वही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी बस, उससे सर वो तो ज्यादा उनका डिस्कनेक्टेड है, वो बस। रियलिटी से हाँ डिस्कनेक्टेड है, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट पीपल ऑफ आर द डिस्कनेक्टेड द रियलिटी, वो लोग टोटल वो एक बबल में डिस्कनेक्टेड है, है। वो एक हाँ बबल में है, उन्होंने खास जगह पे जाना है, वहां पे उन्हीं के वो चंद लोग होंगे, वो जहाँ पे उन्होंने बैठना है उसी में बात करनी है, उसी लेकिन बबल में वैसे से उन्होंने। उनके इश्यूज जो है, वो जो औरतें जो रेस कर रही है वो जेन्युइन इश्यूज है, अगर आप उनका वो पूरा पढ़े ना कि वो क्या इश्यूज उठा रही है, वो कोई ऐसे बबल में इश्यूज नहीं नहीं है, नहीं वो डॉक्टर बेला, डॉक्टर बेला मेरा ये बात आपने बिल्कुल। की तो हमने बड़ी डिटेल्ड इस पे बात की थी, तो फिक्स आपको पता है मैंने एक्चुअली हाँ हाँ स्पेस बिल्कुल कंडक्ट की, दो स्पेस कंडक्ट की थी जिसपे मैंने सिर्फ उस एजेंडा पे बात की थी जो इश्यूज उठाए गए थे। हाँ मसला ये है ना कि ये मसला मुझे प्रॉब्लम ये होता है मुझे, देखिए मैं ये समझता हूँ कोई भी जो इश्यूज होते हैं ना वो ऐसी ही बाअसर खवातीन या बाअसर लोग ही उठाते हैं, इसमें कोई हाँ दूसरी शक नहीं है कि जो बंदे जिसका पेट भरा होगा ना वो ये बात करेगा जब वो करेगा। मसला वहां पे आता है जब ये लोग अपने घर में औरतों को इस तरह बुरे तरीके से डील करती हैं या करते हैं, और बाहर आके एक जो है ना वो नारे लगाने लग पड़ते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आता है क्या आप यार। हाँ वो एक प्रॉब्लम है जो चीज है ना, वरना वरना बिल्कुल जो कई इश्यूज हैं वो बड़े रियल हैं, बहुत से इश्यूज बड़े रियल हैं, और हमने बड़ी डिटेल बात की थी, तो फिर आपको पता है, तो फिर साहब वॉज इन द हाँ, स्पेस आई और थिंक हम लोग जो है ना, यू नो, ये काफी लंबा सब्जेक्ट है, कोई बात अभी ये जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट मोर टू इट, तो इसको इंशाल्लाह वील बहुत प्लान कुछ फॉर है। हाँ अनदर सेशन फॉर इट, बिकॉज अभी तकरीबन काफी जो है ना ड्यूरेशन काफी हो गया है, तो हाँ इसको एक एक इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। आई लाइक टू थैंक डॉक्टर बेला, आपका आने का बहुत शुक्रिया। फारूक फारूकी की तरह मुझे ना लटका देना, मेरे पैसे भिजवा देना, वो फारूकी शक्ल देखे अगली अगली दफा मैंने तो मैं यही कहने वाला था कि फारू नेक्स्ट टाइम आप आए तो मेक श्योर आपके घर में लाइटें हो। जो है ना लाइटें हो, ताकि हमें नजर आए कि आपकी शक्ल भी सही तरह हमें नजर जी आ सके, तो जरा दो चार बल्ब लगवा लीजिएगा। डॉक्टर उस्मान थैंक यू। डॉक्टर बेला थोड़ी सी देते कि वो ग्लोइंग मेकअप कौन सा होता है जो हम भी करके थोड़े से हाँ मैं बताएं भिजवा दूंगी लेकिन जी आपको। डॉक्टर बेला लेकिन लाइटिंग का जो सारा मामला है ना वो मैं डॉक्टर बेला पे छोड़ देता हूँ, अपने अगले सेशंस का वो हमें गाइड लाइटिंग, करेंगे। लाइटिंग और दुपट्टे और जो इफेक्ट्स के लिए पंखे हैं वो मैं आपको भिजवाऊंगी, आप बस अपनी और भाई साहब सारी को सफेद पैंट सफेद शर्ट सफेद जूते पहना के गोविंदा के स्टेप्स भी सिखा चीजें देना। और एक मफलर भी घुमा दिया ना यूं मफलर करके, वो यूं करके भी आपको साथ एक लाल रुमाल दिया जाएगा जो आप ऐसे रख के बैठेंगे। और नहीं जी आप पाकिस्तानी दूल्हा पे बन के बैठ गए, वो जितेंद्र की बात कर रहे हैं कि जी ऐसे ऐसे पलट के ना तो फिर मफलर यूं करना है उसने, ये एक पोज होता है, हाँ सिग्नेचर पोज होता है, तो वो करना है। अच्छा मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं, उसके बाद भी गपशप लगाते हैं, तो जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स। सही डन। अच्छा जी आप सबका बहुत शुक्रिया। उस्मान थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डॉक्टर बेला आपका बहुत शुक्रिया, आप फर्स्ट टाइम आई हमारे शो में कॉफी विद टॉफी, और फारू आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत एंजॉय किया, बड़ी अच्छी बातें हुई, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इतना लंबा और वसी टॉपिक है कि इस पर अभी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो बहरहाल हमने काफी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन व्यूअर्स के लिए आसानी होगी कि वो, ताकि यू नो कि अब हमने काफी लंबा सेशन तो किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसका नेक्स्ट एपिसोड करें तो यहीं से बात हम इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड
as always, you all very welcome to join my space sessions on Coffee with Tawfiq also. So next time, वो देखें आज तो उस्मान भी लेके आए हुए हैं चाय भी और फारूक भी लेके आए हुए हैं डॉक्टर बेला भी चाय पी रही थी अभी थोड़ी देर पहले अच्छा अभी है थैंक यू तो अपना बहुत ख्याल करिएगा और इंशाल्लाह आप सबसे बात होगी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज तौफीक भाई